HCl डालने से इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल डाले तो डेफिनेटली ये सॉल्यूशन एसिडिक है, तो पीएच डेफिनेटली 7 से कम होगा। थ्योरेटिकली तो हम समझ गए, बट मैथमेटिकली क्या देख रहे हैं कि HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा टूटेगा तो इससे H+ टेंड पर -8 आया, H+ डायरेक्टली निकालेंगे तो पीएच 8 आ रहा है, पीएच 8 तो बेसिक सॉल्यूशन होता है, जबकि सॉल्यूशन तो कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। तो कहां गड़बड़ी हुआ है वो हम चेक कर रहे थे, तो गड़बड़ी ये हुआ कि AH+ जो 10^-8 है ना, H+ कमिंग फ्रॉम HCl है, लेकिन टोटल जो H+ होगा ना वो HCl से भी है और H+ के सेल्फ आयोनाइजेशन से भी है, तो 10^-7 तो पहले ही था, जितना HCl से आया 10^-8 इससे 10 गुना तो वाटर से था, तो नेट क्या होगा, 10 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली हम वो बोले कि वाटर का आयोनाइजेशन, अब वाटर में तो इक्विलिब्रियम है, H+ एंड OH- का इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम तो रीएस्टैब्लिश होता है ना, जब तुम डिस्टर्ब करते हो तो रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिफर कर जाता है और फिर ये वापस आगे पीछे होता है। अब हम कह रहे हैं कि जब कुछ नहीं था तो ये टूट रहा था X, जब पहले से H+ अवेलेबल है तो ये X से कम टूटेगा, इसलिए हम बोले कि अगर ये Y टूटा है तो Y डेफिनेटली X से छोटा है और Y डेफिनेटली 10^-7 से छोटा है। कितना है हम निकालना चाहते हैं, तो हम क्या किए, 10^-8+Y, 10^-8 तो पहले से था, Y टूटा तो H+ टोटल हो गया 10^-8+Y और OH- हो गया Y। KW का वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट होता है, 10^-14 Y+10^18 है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना चाहते हैं, Y²+10^-8Y-10^40=0, सो Y का वैल्यू कितना हो गया, -B+B, यहाँ तो समझ ही गए। अब इसमें Y का वैल्यू निकालना है हमारा काम, लिख लिया क्या ऊपर, तो देखो जरा Y का वैल्यू हो जाएगा -10^-8+, इसमें से 10^-8 कॉमन ले ही लेते हैं तो बच जाएगा कितना, 1+ ये बच जाएगा 400 है ना, ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 400+1 लगभग 400 मानो, और 400 का रूट अंडर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 1 हो जाएगा कितना, 19 × 10^-8/2, तो वैल्यू हो गया 9.5 × 10^-8। तो H+ टोटल कितना हो गया, H+ टोटल का जो वैल्यू है HCl से आया है 10^-8 और Y आया है वाटर के डिसोसिएशन से, तो वैल्यू हो चुका है 10^-8+9.5 × 10^-8 और ये वैल्यू हो जाए कितना, एक कॉमन ले लिया तो हो गया 10.5 × 10^-8, तो वैल्यू हो गया 1.05 × 10^-7 जो कि 10^-7 से बड़ा है, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक हो गया ना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फाइनल सॉल्यूशन H+ टोटल का जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 1.05 × 10^-7, जबकि OH- का वैल्यू कितना रह गया, OH- का वैल्यू तो Y रह गया ना, तो OH- का वैल्यू हो गया 9.5 × 10^-8 जो कि 0.95 × 10^-7 है, तो नहीं हो गया, H+ कंसेंट्रेशन बड़ा हो गया OH- से, तो सॉल्यूशन तो एसिडिक है ही। pH कितना हो जाएगा, pH हो जाएगा -log(1.05×10^-7) तो जाएगा 7 − log(1.05), ये वैल्यू लगभग आता है 6.98, 7 के बहुत करीब है लेकिन 7 से छोटा है, तो 10^-8 मोलर HCl सॉल्यूशन का pH 8 नहीं होगा, कहाँ पे गलती हो रहा था, हाँ ये लिख लो, हमारे पास है 0.1 मोलर HCl, जैसे ही हम मोलर HCl बोल दिए डेफिनेटली एक्वा सॉल्यूशन है, दूसरा है 10^-5 मोलर HCl, तीसरा है 10^-7 मोलर HCl
और चौथा है 10^-8 मोलर HCl। यहां तो हम धड़ल्ले से बोल दे रहे थे कि अच्छा H प्लस का कंसेंट्रेशन है 0.1 और pH तुरंत बोल रहे थे 1। यहां भी कह रहे हैं कि H प्लस का कंसेंट्रेशन है 10^-5 और pH है 5। यहां पे H प्लस कंसेंट्रेशन 10^-7 और pH 7 कहने में गलत हो जा रहा है। यहां पे H प्लस कंसेंट्रेशन 10^-8 एंड pH 8 कहने में गलत हो जा रहा है। देखो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है कि इसमें भी एक्वस सॉल्यूशन है, इक्विलिब्रियम हर जगह एग्जिस्ट करता है ना, लेकिन इस बार H प्लस पहले से 0.1 मोलर है, पानी के डिसोसिएशन से 0.1 प्लस X आया है, 0.1 प्लस X आया है तो ये भी X आया है। अब इस X का मैक्सिमम वैल्यू तो होता था 10^-7, अरे होता था ना, तो इसके सामने तो और भी कम ही टूटेगा, तो डेफिनेटली X का वैल्यू 10^-7 से बहुत छोटा होगा। हम एग्जैक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं X का वैल्यू कितना है, कैसे, देखो H प्लस एंड OH माइनस का प्रोडक्ट कितना होने वाला है, 10^-14, तुम कहीं और बैठ जाओ ना, -14। तो X H प्लस का वैल्यू है 0.1 प्लस X और A वाला वैल्यू है X। हम जानते हैं कि X बहुत बहुत बड़ा है 0.1 से, हम एक अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, हम कह देते हैं कि X बहुत बहुत छोटा है 0.1 से, तो 0.1 में X जोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा 0.1 को, तो ये वैल्यू अगर 0.1 ही रह गया और इसमें X से मल्टीप्लाई करने पर 10^-14 है तो X का वैल्यू कितना आ गया है, तो 10^-13। तो यहाँ पे इस केस में H प्लस नेट कितना हो गया, H प्लस नेट है 0.1 प्लस 10^-13, क्या फायदा इस जोड़ने से, तो अभी भी रह जाएगा 0.1, समझ में आया क्या। इसी तरीके से यहां भी अगर हम निकालेंगे तो यहां पे जो वाटर का डिसोसिएशन होगा वो H प्लस इंटू OH माइनस है, ये पहले से था 10^-5, X आया और X आया, 10^-5 प्लस X इंटू X का प्रोडक्ट फिर से रहने वाला 10^-14। हम यहां पे फिर मान रहे हैं X का मैक्सिमम वैल्यू कितना था, जब कुछ नहीं होता तो ये टूटता था 10^-7, तो उससे तो कम ही टूटेगा, तो उससे अभी भी कितना गुना ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, फिर एक अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, और अप्रोक्सीमेशन ले लिया हमने कि X बहुत बहुत बड़ा है, X बहुत बहुत छोटा है 10^-5 से, तो ये बच गया 10^-5 इंटू X का वैल्यू हो गया 10^-14, तो X का वैल्यू 10^-5 है, सच में बहुत बहुत छोटा है 10^-5 से, कितना छोटा है 10^4 टाइम, 10,000 टाइम छोटा है। तो यहाँ पे भी बेसिकली हम क्या कहेंगे, यहाँ पे भी जो H प्लस टोटल रहेगा वो रहेगा 10^-5 प्लस 10^-9, इसे जोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा, ये 10^-5 कॉमन लोगे तो 1 प्लस 10^-1 में 10^-4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू 1 ही हो जाएगा, तो 10^-5 है तो pH 5 निकाल, तो सही हो गया। लेकिन ये काम यहाँ करोगे तो गलत हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे भी तुम कहोगे कि इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम टूटेगा कैसे, H प्लस एंड OH माइनस, ये पहले से अवेलेबल था 10^-7 और X और आया, तो 10^-7 प्लus X इंटू X 10^-14 है। अब X का मैक्सिमम वैल्यू 10^-7 है, तो 10^-7 के होने की वजह से और कम टूटा होगा, लेकिन कितना कम टूटा होगा हम मान के देखते हैं, हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेशन कि X बहुत बहुत छोटा है 10^-7 से मान लेते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 10^-6, एक तरफ हम मान रहे हैं कि बहुत बहुत छोटा है और X का वैल्यू भी आ रहा है 10^-7, यानी अप्रोक्सीमेशन गलत है, तो ये अप्रोक्सीमेशन गलत है, तो तुमको यहाँ क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10^-7 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस
10 टू द पावर माइनस 14 का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो h प्लस टोटल है ना, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस x का वैल्यू निकाल लेते कितना आएगा, x का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस बी स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 14 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू कितना आएगा x का, 10 टू द पावर माइनस 7 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा कितना, 4 प्लस 1 5, रूट अंडर 5 कितना था, 2.21 में से 1 गया तो 1.21, तो 1.21 डिवाइड बाई 2 तो क्या 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और नेट वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। बेसिकली हो क्या रहा है, रूल ये है कि H प्लस कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 7 और बहुत लार्ज अमाउंट से, मतलब कि थोड़ा बहुत नहीं, मान लो कि 10 पावर माइनस 7 से 10 गुना हम वाटर का मैक्सिमम डिसोसिएशन 10 पावर माइनस 7 हो सकता है, उसे 10 गुना ज्यादा हम ले लेते हैं 10 टू द पावर माइनस 6। तो हम कह सकते हैं क्या, इफ एच प्लस कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 6, तो वाटर से आने वाला जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता था 10 पावर माइनस 7 उसे भी 10 गुना बढ़ा के लिए है, तो वाटर से आने वाले से नेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर H प्लस कमिंग फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ एसिड 10 टू द पावर माइनस 6 से छोटा हो गया तो तुमको वाटर के डिसोसिएशन में काउंट करना पड़ेगा पीएच कैलकुलेशन में, क्योंकि नेट इक्विलिब्रियम में तो H प्लस तो नेट लेना पड़ेगा। तुमको समझ में आ गया क्या, लिखो जरा सा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि H प्लस जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है फ्रॉम सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 10 टू पावर माइनस 7 होता है, किसी एसिड के प्रेजेंस में और कम ही टूटेगा, हो सकता है होगा ना ऐसा। कहते हैं कि अगर H प्लस कंसेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम एसिड अगर ये बड़ा हो जाए इससे 10 गुना बड़ा वैल्यू से 10 पावर माइनस 6 से, तो फिर हम कहते हैं कि H प्लस जो नेट होगा वो H प्लस वाटर से आया और H प्लस एसिड से आया, ये वैल्यू 10 पावर माइनस 6 है या उससे बड़ा है, और ये वैल्यू मैक्सिमम 10 पावर माइनस 7 हो सकता था, इसके प्रेजेंस में और कम ही टूटेगा, तो लगभग लगभग 100 गुना छोटा हो गया। तो ये फिर हम कहते हैं कि H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर और ये दोनों जोड़ने के बाद भी 10 टू द पावर माइनस 6 ही रहेगा। इसलिए हम लोग क्या कह रहे थे 0.1 मोलर HCl है तो pH बोल रहे थे 1, क्योंकि वो आप कौन पूछता है 10 पावर माइनस 7 को। 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर HCl था तो भी तुरंत बोल दे रहे थे pH 5। 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर HCl भी रहता तो भी pH बोल देते 6, लेकिन गड़बड़ी कहाँ शुरू हो जाता, 10 पावर 7 मोलर HCl है तो pH इज नॉट इक्वल टू 7, 10 टू द पावर माइनस 10 मोलर HCl है तो pH इज नॉट इक्वल टू 10। समझ में आ गया क्या तुमको। पहला है पेज नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है 5 × 10⁻⁶ मोलर BaOH होल ट्वाइस सॉल्यूशन। बेरियम हाइड्रोक्साइड टूट जाएगा किस में, बेरियम 2 प्लस एंड 2OH माइनस में। अगर ये 5 × 10⁻⁶ था तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 × 10⁻⁶,
10^-5 मोलर है, ये बहुत ज़्यादा है OH माइनस पानी से आने वाले OH माइनस की तुलना में। तो बेसिकली क्या होगा, OH माइनस कंसेंट्रेशन 10^-5 है तो POH 5 हो जाएगा, तो pH कितना हो जाएगा 9। लेकिन दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, 10^-7 मोलर NaOH सॉल्यूशन है,